में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी, और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं, हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए। कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है, अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारोबार सब तुम्हारे भरोसे पर है, तो बाती का मुख कहाँ हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर, पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं, मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे, कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है, पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के ज़माने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए, अब कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है, ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है, मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकले। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना, मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम।
तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी, हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी से वहां कैसे भेज सकती हूँ, आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा, बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा, इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो और शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर अपनी कामना कर बाबा का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो स्मरण कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, उस सुनेगा जरूर, आएगा उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ लेकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर कहना बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना, ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को, बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसपास पत्तियां ना, 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैलाइए, 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बनाए, प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे, शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो, दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्र समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है,
श्री शिवाय नमस्तुभम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो भी मेरे चैनल पर पहली भाई बहन पहली बार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। देखिए, आज का उपाय बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। प्रदोष काल में अगर आप एक दीप अपने दरवाजे पर लगाते हैं तो धन का आपके यहाँ भंडार भर जाएगा, लक्ष्मी का आगमन होगा। कहते हैं प्रदोष काल में शिव पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं तो नंदी के कान में जाकर अगर आप मंदिर जाते हैं तो उनके कान में अवश्य कह के आएँ कि भ्रमण के लिए आप शिव जी और पार्वती को लेकर आते हैं प्रदोष काल में शाम के टाइम, तो हमारे यहाँ अवश्य लेके आएँ। तो ऐसे कान में कह के आना है, नंदी के कान में, और आपको आना है घर। शाम को आपको एक दीप लगाना है, शाम को अपने दरवाजे के पास लंबी बाती का लगाना है घी का, और आपको प्रज्वलित करते समय यही बोलना है कि हे नंदी बाबा, आप शिवजी पार्वती को भ्रमण करने के लिए लेके आए हैं तो हमारे यहाँ उनको लेकर अवश्य आएं। पृथ्वी पर प्रदोष काल में शिवरात्रि में एकादशी पर शिव पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, तो इसलिए आपको दरवाजे पर एक घी का दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपके यहाँ धन में बरकत होगी, आपके यहाँ धन संपदा खूब बढ़ेगी, कोई भी कष्ट बीमारी नहीं रहेंगी, आपके धन संपदा की जो भी कमी है वो कमी पूरी होगी। जिस व्यक्ति के यहाँ धन की बहुत कमी है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, विपता आ पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो प्रदीप मिश्रा जी ने शिवपुराण में बता दिया है कि अगर आपके यहाँ ये सब परेशानियाँ हैं तो आप एक उपाय अवश्य कर लें, प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य लगाएं। देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आप शिवालय नहीं जा सकते, बेलपत्र के पेड़ के पास दीप नहीं लगा सकते, तो एक अपने दरवाजे पे अवश्य ही लगा दें। देखिए, वैसे बहुत ही शुभ उपाय बताया गया है कि बेलपत्र का पेड़ अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस पर एक दीप प्रदोष काल में आप शाम के टाइम ज़रूर लगा कर आएँ। इससे आपके यहाँ जो भी धन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, जो भी आपके यहाँ कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण अवश्य ही हो जाएंगी। प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में ये भी बताया है, उनका ही उपाय सुनकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में शाम के टाइम मंदिर जाकर एक दीप लगाए, जो भी अपनी कामना है, कामना को जानकर आपको रखकर अगर दीप लगानी है तो वो लंबी बाती का दीप अब लगाते वक्त उसका मुख अपनी तरफ कर ही लगाएं। अगर कोई कामना नहीं है, वैसे ही आप शिव जी को रिझा रहे हैं, आपके यहाँ धन संपदा हमेशा रहे, आपके यहाँ सुख शांति बनी रहे, तो आप उस दीप का मुख शिव जी की तरफ कर दें। अगर आपकी कोई कामना है तो उस दीप का मुख अपनी तरफ लगाएं लंबी।